इसमें सेंटर रुक गया। दीपक जी थोड़ा इधर आ जाने के स्टेप। वाह भैया, दीपक जी यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर मैम, थैंक यू। वो तो भैया या लुकिया या सेंटर सर, राइट सर, मैम सर राइट, थैंक यू। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ये फिल्म एक हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं था कि जो रोज़ की तरह प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो माँ इज़ रियली स्पेशल टू अस। तो ऑलमोस्ट 6 साल पहले हमने प्लान किया था इस फिल्म को बनाने के लिए, बट पंजाब में हमें जो माँ के लिए करेक्टर चाहिए था वो कोई थी नहीं, तो दिव्या जी का दिमाग में नहीं आया। सो फाइनली दिव्या जी का जब माइंड में आया तो फिल्म शुरू करी। इन बिटवीन कोविड आ गया, 3 साल उसके चक्कर में फिल्म नहीं रिलीज़ कर पाए। सो फाइनली अभी रिलीज़ है एंड वी आर सो हैप्पी, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है पब्लिक का, और पंजाब सभी जगह सोल्ड आउट चल रहा है फिल्म, ओवरसीज़ कनाडा में इतनी बड़ी एडवांस बुकिंग थी, एंड वी आर सो हैप्पी एंड वी आर सो एक्साइटेड। और सबसे अच्छा ये है कि जो हम चाहते थे फिल्म बनी बहुत अच्छी है, लोगों के रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। मिक्स मूवी है, काफ़ी इमोशनल भी है। जी सो मेनी थिंग्स, कोई ऐसी बात जो काफ़ी आपको अमेजिंग लगी है? एक्चुअली क्या है कि ये फिल्म है जो बहुत सी डेली रूटीन की छोटी छोटी बातों से बनी हुई है, जो हम अपनी माँ के साथ रोज़ करते हैं, छोटी छोटी बातों पे इग्नोर करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स हैं। तो मुझे तो सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। सो मुझे लगता है कि ऑडियंस जब बैठेगी तो सबको ये कनेक्ट होता है कि ये मेरी बात कर रही है फिल्म। सो जब आपको लगता है कि मेरी बात है तो आप कनेक्ट करते हो उस करेक्टर के साथ। और दूसरा, दिव्या जी ने क्या परफॉर्म किया है, अनबिलीवेबल। मैंने तो फिल्म भी बहुत बार देखी है, अभी मैंने प्रोड्यूस किया है तो मैंने तो शुरू से कहानी पे इतनी देर बैठा किया, अभी एडिट पे बहुत देखी तो मैंने तो इतनी बार देख ली, मुझे तो सारी फिल्म ही अच्छी लगती है। बट नो डाउट आप लोग देखो, आप लोग बताओ कैसी लगी। पर्सनली आपको दिव्या जी की एक्टिंग कैसी लगी, क्योंकि दिव्या जी को जिस किरदार में हमने पहली बार देखा है काफी। जी 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 जी, क्या कुछ कहना चाहोगे दिव्या जी के? बहुत एक्चुअली क्या है कि दिव्या जी ने जब डे वन पे बोल दिया, जब उनको बोला कि ये फिल्म करनी है, उन्होंने टाइटल सुना माँ, शी सेड नो, मैं नहीं करूँगी। तो मैं उनको फ़ोन करके स्पेशली बॉम्बे आया, तो मैंने कहा कि आपको मिलना है 10 मिनट। शी सेड के अगर तो माँ के लिए मिलना है तो मुझे मत फोर्स करना। मैं कहा नहीं, उसके लिए नहीं मिलना, काम और है। मैं आया, मैंने उनको बोला कि आप 15 मिनट मेरी कहानी सुनो और कोई और करेक्टर ढूंढ के दो, आप मत करो। तो 15 मिनट में जब मैंने उनको बताया तो शी सेड के आई नो जिस काम के लिए आप आए हो वो हो गया, मैं करूँगी ये फिल्म। तो ये इतनी, मतलब ये पूरी फिल्म दिव्या जी की फिल्म है, तो आप जब फिल्म देखोगे तो मतलब ये एक अनदर लेवल परफॉर्मेंस है। मतलब इतने जोन है, ऑलमोस्ट 40-45 साल का एज गैप है, मतलब यंग एज से लेके बूढ़े होने तक। सो उन्होंने जो कैरी किया है उसको, हर सीन को, बूढ़े में बूढ़ा फील, यंग में यंग फील, हरकतें, चीज़, हर चीज़ चेंज होनी। सो इट्स रियली हार्ड, मुझे लगता है कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। मैं कहना चाहूँगी मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रोल रहा ये, और पंजाब में कभी भी इस तरह की वुमन ओरिएंटेड फिल्म नहीं आई है, और इतने सालों बाद आई थिंक मैं बड़ी लकी रही हूँ, पहले मान साहब के साथ शुरुआत की गुरदास मान के साथ, और अब जब दोबारा आई इतने सालों के बाद तो गिप्पी के साथ शुरुआत की, तो और वो भी ऐसे रोल में जो शायद कभी पंजाबी पर्दे पर नहीं नज़र आया है। इट्स ए कम्प्लीट रोल राइट फ्रॉम यंग एज टू ओल्ड एज। What was difficult was to play the older part because वो बहुत सही होना चाहिए, क्योंकि माँ से सब कनेक्ट करते हैं, जब तक वो आपको अपनी नहीं लगेगी तो यंग एज और मिड एज तो वॉज फाइन, लेकिन वो जो ओल्ड एज था वो बहुत बारीकी से करना पड़ा। एंड जितना प्यार रिव्यूज़ आ रहे हैं, और हमने पहली स्क्रीनिंग हमारी चंडीगढ़ में थी, तो लोग जब भी डाल रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं, शगुन दे रहे हैं, कोई पैर पड़ रहा है, आई हैव नेवर सीन लव लाइक दिस। सो आई थिंक दिस इज ओनली द मैजिक ऑफ द वर्ड माँ, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं उसका जरिया बनी। ऑडियंस इतनी सारी है, सब देख रहे हैं और खूब सारा प्यार है, और सब दोस्त आए हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड
the best part of the film is that you take back a message that if you really want to say, and you should say, that we love you to your parents, you should say it now. Regrets nahi hone chahiye ki humne wo nahi kiya jo hume karna chahiye tha. Thank you. Thanks. डीपी बाजी और बलजीत देओ सर अच्छी ही पिक्चरें बनाते हैं हमेशा, और दिव्या मेरी दोस्त भी हैं और नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस भी हैं, तो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी मैजिक. सर सबसे अच्छी पार्ट कौन सी लगी सर आपकी पर्सनली, आपको सबसे अच्छी पार्ट कौन सी लगी अबाउट ट्रेलर? अभी तो देखनी है फिल्म. अबाउट द ट्रेलर, अबाउट द ट्रेलर, अबाउट द ट्रेलर एक्चुअली मुझे सबसे अच्छा पार्ट ये लगा कि दिव्या स्टार्ट्स प्लेइंग फ्रॉम यंग एज एंड गेट्स ओल्ड. And it's in her look and every way, it's so convincing. And I'm sure acting se bhi unhone utni hi convincing performance di hogi. Do you believe once you go in, it will be very emotional for you? Let's hope so. Yeah, we're looking forward to it. Yeah. Would you like to share your any upcoming projects? नहीं यार, हम लोग पहले इस फिल्म की बात कर रहे हैं जो देखने आए हैं. थैंक यू. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. जितनी हाउस से जो भी फिल्म आती है मैं तकरीबन देखता हूँ, क्योंकि जितनी बहुत खुद बहुत ही इन्वॉल्व डायरेक्टर भी है, एक्टर तो हैं ही अच्छे, और इसमें जो माँ बनी है वो ट्रेमेंडस एक्टर है भैया, बहुत ज़बरदस्त काम करती है. मैं क्या बताऊँ, ट्रेलर की मैं बात करूँ, कोई ऐसा सीन जो आपको काफ़ी बेहद पसंद आया? देखिए ट्रेलर जब आता है ट्रेलर में तो एक कोई ना कोई खींच तो होनी ही चाहिए, ट्रेलर का मतलब ही होता है. तो मैं एज ए फिल्म की बात करूँ तो मुझे लगता है मुझे फिल्म पे पूरा भरोसा है, क्योंकि कास्टिंग जो है दिव्या दत्ता की वो ही बहुत ज़बरदस्त कास्टिंग है, और इतनी डेप्थ है उनके काम में, मैं क्या बताऊँ आपको. तो मुझे बेहद खुशी है कि शी इज़ डूइंग दिस मेन रोल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत बहुत पसंद आए. हाल ही में आपकी मूवी आई शेर शुगर, स्पेशली आपके किरदार को काफ़ी सराहा गया, लोगों का इतना प्यार मिला सर मूवी को लेकर, आपने काफ़ी अच्छा क्या कुछ कहना चाहिए? देख खुशी है इस बात की कि सबसे बड़ी चीज़ है कि फिल्म चलनी चाहिए. आप जो भी काम करो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिल्म चले, तभी उसका फ़ायदा सबको होता है. और वो फिल्म चली, मैं खुशी हूँ. मैं अभी मिलाता हूँ आपको कैनी साहब को. कैनी साहब, कैनी सर, कैनी सर, शेर शिवराज की गल चल रही है, आओ ना जी. कैनी सर सारे डिस्ट्रीब्यूटर, इन्होंने रिलीज़ की थी ऑल ओवर मार्केट, प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है. तो मैनू बेहद खुशी है इन्होंने भी काम करने का मौका मिले, और बहुत ही फर्स्ट मराठी फिल्म में इन्होंने रोल किया है, गजब का रोल किया है, गजब का रोल किया. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि, और फिल्म बहुत अच्छी जा रही है, इस डूइंग वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस. इट्स कॉल्ड शेर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की, अफजल खान के वध के ऊपर है. सर आप बताइए इसके बाद कोई आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट? बताइए सर, ग्रेट मूवी के बाद कोई? नहीं चल, काम तो कर रहा हूँ. मैंने एक फिल्म बनाई है जिसमें, इस फिल्म का नाम है निडर, पंजाबी फिल्म है. फिल्म का नाम है निडर, पंजाबी फिल्म है, जिसमें बेटे को लॉन्च किया है ये राघव ऋषि है, और राजन मोदी ने भी, बेबी एक्टर ने, उन्होंने काम किया उस फिल्म में. एक तो वो फिल्म ऑलमोस्ट मेरी रेडी हो रही है, उसको रिलीज़ करेंगे. एक फिल्म और है पंजाबी जिसका नाम है नानक नाम जहाज़ है, उसके ऊपर भी, तो नाम ही वैसा है, नानक नाम जहाज़ है, तो वो फिल्म भी मेन रोल है उसमें, तो उसकी भी उम्मीदें बहुत हैं मेरे को. और एक सीरीज़ कर रहा हूँ रोहित शेट्टी जी के साथ, वो बहुत बड़े पैमाने पर सीरीज़ बन रही है, वो कर रहा हूँ. इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती हैं, जो मिलती हैं मुझे, उसमें से देख लेता हूँ क्या ठीक लगता है, तो उस तरह काम होता रहता है. थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट. ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग है, माँ का किरदार काफ़ी मैसेज, क्या कुछ कहना चाहोगे ट्रेलर को? ट्रेलर तो बहुत बढ़िया है, पिक्चर मैंने अभी देखी नहीं, पर लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ तो मतलब इट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस. क्या
ऐसा मैंने सुना है, तो बस मन था देखने का, तो इन्वाइट किया था वो मेरे को, फिर मैं इसलिए स्पेशल देखने के लिए आया। कोई ऐसा सीन ट्रेलर को लेके जो आपका काफ़ी फेवरेट हो? सीन उसमें जो आप 2.5 मिनट में एक ट्रेलर उन्होंने बनाया है, जो पहले ट्रेलर में एक कोई पर्टिकुलर सीन नहीं है, लेकिन जो उसमें एक बॉन्ड है ना, जो बच्चे का और माँ का जो बॉन्ड है, वो ही उसमें नज़र आ रहा है। तो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब उसमें कहने के लिए लाइफ कुछ है नहीं, आप अपने आप को, अपने वर्ड, जो वर्ड्स होते हैं वो आपकी जो जो कहना चाहते हैं उनको कन्फाइन कर देते हैं, तो उसमें कुछ है नहीं कहने के लिए। तो वो एक फीलिंग है, मतलब बयान नहीं की जा सकती। थैंक यू सो मच।